सब्सक्राइब करला और घंटी भी दबाला एलायला। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम है विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर विनोवेटिव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट्स लिखी होती हैं उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल हर कोई डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है और आपने देखा होगा कि आपके डेबिट कार्ड पर 16 अंकों का एक नंबर लिखा होता है। यह नंबर बहुत खास होता है और हर नंबर के पीछे आपकी जानकारी छिपी होती है। इतना ही नहीं, इन 16 अंकों के हर अंक में कोई ना कोई राज छुपा होता है। तो जानते हैं कि आखिर आपके डेबिट कार्ड पर लिखा नंबर क्या कहता है। यह नंबर आपके बैंक अकाउंट के बारे में बहुत खास बात बताते हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़रूरी बातें ये नंबर बताते हैं। इससे आप किसी की निजी जानकारी नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के आगे के हिस्से में 16 अंकों का नंबर लिखा होता है। पहले 6 अंक बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं और बाद के 10 अंक कार्ड धारक का यूनिक अकाउंट नंबर होता है। वहीं एक ग्लोबल होलोग्राम बना होता है जो कि बिल्कुल यूनिक होता है। अब हर अंक के हिसाब से बताते हैं कि यह नंबर क्या दर्शाते हैं। पहला नंबर उस इंडस्ट्री को दर्शाता है जिसने कार्ड जारी किया है। इस अंक को मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर या फिर इंडस्ट्री आईडी कहते हैं, जैसे बैंक, पेट्रोलियम कंपनी आदि। 2 से 6 अंक इशूअर आईडी नंबर होते हैं जो बैंक आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। पहले अंक में 0 का मतलब आईएसओ और अन्य इंडस्ट्री, 1 का मतलब एयरलाइंस, 2 का मतलब एयरलाइंस और अन्य इंडस्ट्री, 3 का मतलब ट्रेवल्स और इंटरटेनमेंट यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस या फूड क्लब, 4 का मतलब बैंकिंग और फाइनेंस यानी कि वीज़ा, और 5 का मतलब बैंकिंग और फाइनेंस यानी कि मास्टर कार्ड, 6 का मतलब होता है बैंकिंग और मर्चेंडाइजिंग, 7 का मतलब पेट्रोलियम, 8 का मतलब टेली कम्युनिकेशंस और अन्य इंडस्ट्री, 9 का मतलब होता है नेशनल असाइनमेंट। वहीं 7 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के नंबर आपके बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होता है। इसमें आखिरी अंक नहीं होता है। 7 से 15 नंबर तक के अंक अकाउंट से जुड़े होते हैं, मगर इससे आप किसी के अकाउंट के बारे में पता नहीं लगा सकते। डेबिट कार्ड का आखिरी नंबर चेक डिजिट के नाम से माना जाता है। इससे पता चलता है कि कार्ड वैलिड है या नहीं।